الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک مرتبہ اور حدیث درود پیش کر دیجئے. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور آواز بلند. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما. معزز محترم علماء کرام، ائمہ اعظام، حفاظ کرام، شاعر اسلام، نقیب اہل سنت، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. يا مصطفى محمد، يا مرتضى علي، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں. اے جہانگیر پیر مخدوم، نرود از درت کسے محروم، بہر اولاد خیش اے اشرف، حاکم وقت را بکن محکوم، حاکم وقت را بکن محکوم. اشرفیم نعرہ چشتی نظامی میزنم،
बंदे मखदूम अशरफ नामे नामी मी जनम। बड़ी मोहब्बतों के साथ, पाकीजा जज्बे के साथ, उम्दा हौसलों के साथ आपने इस जश्न शबे बारात को सजाया है, संवारा है, चमकाया है, महकाया है, सजाया है और मुझको बुलाया है। ये बंदा भी चला आया है, पाली में कम से कम 10-12 साल बाद आया है। हमने मोहब्बत को निभाया है, हम सब पर बुजुर्गों का साया है, हमने यही रवैया अपनाया है, जिसका खाया है उसी का बजाया है, फिर मुनाफिक क्यों घबराया है। रात के 1.5 से ज्यादा हैं और 3 से कम हैं। जो तारीख मैंने दी थी वो गुजर गई। अब चाहे मैं तकरीर करूं और चाहे ना करूं, मेरा मीटर तमाम है। शरीफ पाली साहब बुलबुले राजस्थान पढ़ रहे थे तो दिल चाह रहा है कि 3-4 शेर मैं भी गुनगुना दूं। अब इतना तफसीली कलाम सुनने के बाद तो फिर किसी कलाम की जरूरत नहीं है, मगर चंद शेर मैं पेश करूंगा और इंशाअल्लाह जब चंद कहूंगा तो चंद ही रहेंगे, वरना लोग चंद कह के पूरा पूरा दीवान पढ़ जाते हैं, वो आखिरी और आखिरी, उनका आखिरी ख़त्म ही नहीं होता, बस ऐसा लगता है कि बस गुनगुनाए जाओ आखिरी आखिरी। बहुत मशहूर, मैं अक्सर पढ़ता हूँ अपना ये कलाम बारगाहे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कुछ साल पहले हाजिरी का शरफ हासिल हुआ था तो दिल ने ये चाहा कि मैं वहाँ कुछ अपने जज्बात का इजहार करूं, कुछ शेर कहूं, तो मैंने चंद शेर कहने की कोशिश की मगर नहीं कह सका। लोग वो सुनाते हैं जो वहां उन्होंने कहा है, मैं आज वो सुनाऊंगा जो मैंने नहीं कहा है। जैसे ही मदीने के बाहर निकला, वहाँ कैफियत अलग थी, अल्फाज जज्बात से मगलूब थे, मदीने के बाहर निकले ये चंद शेर हो गए, वो मैं पेश कर रहा हूँ। बस चंद के बाद फिर तकरीर और तकरीर के बाद फिर आप रात भर जो सुने हैं अगर मौका मिल जाए तो उस पर अमल कर लीजिएगा। तवज्जो, एक कैफियत थी, सच्ची कैफियत, सादा सी, वही बयान कर दे रहा हूं। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई, 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 ये मेरी चश्मे तमन ना बड़ी प्यासी आई, ये मेरी चश्मे तमन ना बड़ी प्यासी आई, तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई, ये मेरी
चश्मे तमन ना बड़ी प्यासी आई। और मदीना वो जगह है जहां आशिकों के नजदीक पलकों से चलना भी बेअदबी शुमार की जाती है, आशिकों के नजदीक, मुनाफिकों की बात नहीं हो रही। ये शेर, ये काफिया कहां से आ गया मदीने वाले ही जानते हैं। उलमाए किराम की तवज्जो समाज फरमाए, देखिए। कल्बों ने पासे अदब, जब मदीना छोड़ो तो दिल टूटता है, जब कोई चीज टूटती है तो आवाज होती है, समाज फरमाए, ये ख्याल देखिएगा। कल्बों ने पासे अदब, दर्द मेरा खाए सा, कल्बों ने पासे अदब, दर्द मेरा खाए सा, कल्बों ने पासे अदब, दर्द में रखा है सा, कल्बों ने पासे अदब, दर्द में रखा ऐसा, दिल तो टूटा मगर आवाज जरा सी आई। सुभान अल्लाह, सुभान, दिल तो टूटा मगर आवाज जरा सी आई, तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदा सियाई। ये मेरी चश्मे तमन ना बड़ी प्यासी आई। और कमाल ये नहीं है कि आप दूसरों को कितना ज्यादा जानते हैं, कमाल ये है कि आप अपने आप को कितना ज्यादा जानते हैं। दूसरों को जानने के लिए ये जितना उजाला है काफी है, मगर अपने आप को जानने के लिए बहुत उजाले की जरूरत है, और ये उजाला कहीं और नहीं मिलता, मदीने में मिलता है। वहां जाके समझ में आता है कि मोहताज कायनात मुख्तार कायनात के दरबार में खड़ा है। समाप्त करें इस ख्याल को, देखें अपने आप को पहचानना कमाल है, और कहां अपने आप को पहचाना जा सकता है। समाप्त करें। सब्ज गुंबद के नजारे थे मुनव्वर इतने, 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 उसके साए में मुझे खुद की शना सी आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, उसके साए में खुद की शना सी आई, तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदा सी आई। ये मेरी चश्मे तमन ना बड़ी प्यासी आई। और एक शेर जो वहां हुआ था, आप सोचें, ना मेरी जबान ने कुछ कहा न मेरे कलम ने कुछ लिखा, सरकार के रोजे के सामने न मेरी जबान ने कुछ कहा और न मेरे कलम ने कुछ लिखा, मगर ऐसा नहीं कि मैंने नात नहीं कही, न जबान ने कहा और न कलम ने लिखा, मगर ऐसा नहीं कि मैंने नात नहीं कही। ये खूबसूरत शेर तमाम उलमा के हवाले, आपके हवाले, समाज फरमाए। मेरी आंखों ने कही थी मेरे अशकों की गजल, मेरी आंखों ने कही थी मेरे अशकों की गजल, मेरी आंखों ने कही थी मेरे
अशकों की गजल मेरी आंखों ने कही थी, मेरे अशकों की गजल मेरे लफ्जों को वहां शर्म हया सियाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत खानवादाए अशरफिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अशकों की गजल मेरी आंखों ने कही थी, मेरे अशकों की गजल मेरे लफ्जों को वहां शर्म हया सी आई। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। ये चार शेर तो मुकम्मल हुए, निकलते निकलते चलते चलते बैठते बैठते लौटते लौटते एक शेर और हो गया, एक एक्सपीरियंस उसको मैं शेयर कर दूं, क्योंकि आजकल के शेयर करने का ज़माना है। जिसे देखो शेयर कर रहा है, ना देख रहा है कि क्या शेयर कर रहा है क्या नहीं शेयर कर रहा है। अरे भैया शेयर करो, उससे पहले केयर करो कि शेयर क्या करना है। कभी कभी कुछ लोगों ने जज्बाती बातें कह भी दी हैं, तो ये अल्लाह बचाने, ये यूट्यूब चैनल वालों से अल्लाह बचाए। ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं कि बवाल हो गया, हंगामा मच गया। अरे अल्लाह खैर करे, ज़रा सा आलिमों की खैर करो, तुम लोग ज़रा ठंडा ठंडा थंबनेल लगाओ काय को। अगर उल्टा सीधा लगा भी दिया है तो उसको वापस ले लो, उसको फिर से उसको सही करके लगाओ। इससे हमारे गरीब उलमा बेचारे जलसा जुलूस करते हैं, जाहिर है वो दिक्कत में आ सकते हैं। हमारी यूट्यूबर लोगों से गुजारिश है, देखिए ये शेर। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई, ये मेरी चश्मे तमन ना बड़ी प्यासी आई। और मैं सुनता था दस्ते तैबा, तैबा का जंगल खारे तैबा। मैं सोचता हूँ कि जब मदीना है तो दस्त कहाँ, मदीना है तो जंगल कैसे, जंगल खत्म हो तो मदीना हो जाता। जब ये मदीने में जंगल नहीं है जिसे पाली कहते हैं, तो जो अल मदीना हो वहां दस्त कैसे। वो पहले का तजर्बा रहा होगा, मैं अपना तजर्बा बयान कर रहा हूं। समाज फरमाए, देखिएगा इसी काफी से फायदा उठाते हुए। दस्त ढूंढे न मिला सारा मदीना ही मिला, दस्त ढूंढे न मिला सारा मदीना ही मिला, दस्त ढूंढे न मिला सारा मदीना ही मिला, दस्त ढूंढे न मिला सारा मदीना ही मिला। जर्रे जर्रे से मुझे बुए वफा सी आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। जर्रे जर्रे से मुझे बुए वफा सी आई, तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। ये मेरी चश्मे तमन ना बड़ी प्यासी आई। झूमकर दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ ईमान वालों, कहीं के भी हो और कभी के भी, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत सिर्फ इस्लाम की हालत में आए, तुम न मरो मगर मुसलमान बन के।
यानी जब भी मरो तो मुसलमान बन के मरो। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। डर, खौफ, हैबत, फियर, ये फितरत है। क्या है? जाग रहे हैं ना कि कब्रस्तान से आकर के मुर्दों की तरह मत हो जाइए, बेदार रहिए। खौफ, डर, ये फितरत है, नेचर है, मिजाज है, खसलत है, तबीयत है हर हैवान की। और इंसान भी एक हैवान है, ये और बात है, कल्चर्ड हैवान है, मुहज्जब हैवान है, मुसक्कफ हैवान है, बादब हैवान है, अकलमंद हैवान है, बोलता है, इल्मो अदब वाला हैवान है, मगर हैवान तो है, अशरफ हैवान है, सबसे खूबसूरत हैवान है, इसीलिए ये इंसान है। लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम, अल्लाह ने इस मखलूक को मोस्ट ब्यूटीफुल बनाया है। मगर डर जो है ये फितरत है, सबके मिजाज के उनसुर में शामिल है। इंसान की फितरत है डरना। कोई ये बोले कि मैं डरता नहीं हूं तो झूठा है, क्योंकि ये हमारे डीएनए में है, ये मिजाज में है, ये नेचर में है, ये आदत में है, ये बाय बर्थ है। हम बाय बर्थ डरपोक हैं। और जब कोई चीज बाय बर्थ आ जाती है तो उसका इलाज नहीं होता। डॉक्टर ने कहा तेरे को पैरालिसिस है, हाँ, पैदाइशी है कि बाद में? कहा नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे ही पैदा हुआ था। कहा जब पैदा ही लकवा वाला हुआ तो मैं क्या करूंगा, जिसे खुदा ने जैसा बना के पैदा किया, ये पैदाइशी मर्ज ठीक नहीं होगा। तो मर्जों का तो ये हाल है, और आदत जो पैदाइशी है, खसलत, तबीयत, मिजाज, नेचर, फितरत, ये डर फितरत का हिस्सा है, पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। गुस्सा नेचर है। क्या? एंग्री होना, एंग्री वोमेन होना, मैन होना, ये नेचर है। कोई कहे मेरे अंदर गुस्सा नहीं, झूठा है, नेचर है। खुश होना नेचर है। हरीस होना, लालची होना, ये नेचर है। हर आदमी हरीस है, हर इंसान हरीस है, ये हमारा नेचर है। नरम पड़ जाना नेचर है, दबंग हो जाना नेचर है, गुस्से में आना नेचर है, क्लेवर होना, चालाक होना नेचर है। हर आदमी चालाक है, कोई बेवकूफ नहीं है। जिसे दुनिया बेवकूफ समझती है वो भी चालाक है। किसी दीवाने को कागज दोगे तो फाड़ देगा, नोट दोगे बोला बेवकूफ है, दीवाना है, पागल है, इसको अकल नहीं है, नोट दे दो। इसीलिए हमारे यहां कहावत है कि पागल पत्थर सामने फेंकता है और लड्डू अपने घर की छत पर फेंकता है। अगर उसे पत्थर दे दो मारेगा, और लड्डू दे दो
तो मारेगा तो लेकिन अपने घर की तरफ मारेगा ताकि लड्डू उसके घर में गिरे। तो चालाक होना, बद अकलों की भी चालाक होना फितरत है, ये तो नेचर है, इंसान का नेचर है। तो खौफ भी इंसान का नेचर है, कुछ मिट नहीं सकता। और जो बाई बर्थ लेके पैदा हो गए हो वो खत्म नहीं हो सकता। तो इलाज क्या है? जब खौफ खत्म नहीं हो सकता तो बेखौफ कैसे होंगे? जब लालच खत्म नहीं हो सकती तो फिर लालच का क्या होगा? और जब गुस्सा मिट नहीं सकता तो फिर गुस्सा के नुकसान से बचा कैसे जाए? और जब चालाकी सब बर्बाद कर दे तो इन चालाकियों और अय्यारियों को ख़त्म कैसे किया जाए? सलूशन क्या है? सबे बरात है ना, सलूशन ढूंढो। फीहा युफ्रको फी कुल्ले अमरिन हकीम, इसमें हर काम बांट दिया गया है, सलूशन ढूंढो। चूंकि लोग सिर्फ सुनते हैं, अभी मौलाना से बात हो रही थी, सुनते हैं, रात भर सुनना है, सुननी है ना, ये नाम ऐसा चपका कि हम लोग सिर्फ सुननी सुन के हो गए और उसी में सुन हो गए और सुनने वाले ही सुननी हो गए। अब सुननी जो है वो सिर्फ सुनेंगे, करेंगे नहीं। ये करने वाली रात भी सिर्फ अच्छी अच्छी बात सुनेंगे, अच्छी अच्छी बात लोग कहेंगे, साल भर शरीफ पाली नात सुनाएंगे और आप सुनेंगे, और आज भी सुनाएंगे और आप सुनेंगे। कब करेंगे? लोगों ने सुनने सुनाने को नेकी समझ लिया। ये जलसा ये मंजिल नहीं है। जहन बन गया आपका, चंदा करो, जलसा करो, जन्नत मिल जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा जहन बन गया है तो जहन की इसलाह कर लो। ये जलसा मंजिल नहीं है, ये तकरीर मंजिल नहीं है, ये खिताबत मंजिल नहीं, ये समाअत मंजिल नहीं। मंजिल क्या है? अमल है। मंजिल क्या है? अमल है। बहुत अच्छी अच्छी बात करना, बहुत अच्छी अच्छी बात करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बात सुनना ये भी अच्छी बात है, मगर अच्छी बात है, इससे नजात नहीं होगी। इससे नजात, बात करने से जन्नत नहीं मिलती, अमल करने से जन्नत मिलती है। बात करने से जन्नत नहीं मिलती। एक साहब मदरसे में फारिग हुए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब बात निकल आई है तो अपने मजमून पे आता हूं, लेकिन पहले सुन लीजिए ताकि सुनने का मकाम मालूम हो जाए, ताकि कल से अमल शुरू कर दो। एक साहब निकले मदरसे से, इल्मे हदीस में 100% नंबर, मौलाना इल्मे फिका में 100% नंबर, इल्मे तसव्वुफ में 100%, तफसीर में 100%, नाम है उनका। बाप रे बाप, क्या स्टूडेंट है, कितना तफक्को है, कितना तबाहुर है, कितना इल्म वाला है। फिका में पहले नंबर पर फारिग हुआ, हजारों बच्चों में पहले नंबर पे फारिग हुआ, सब में 100%, बुखारी में, मुस्लिम में, नेसई में, इब्ने माजा में, शरे वकाया में, हिदाया में 100% नंबर। एक बेचारा कमजोर जहन वाला या पस्त हिम्मत वाला,
वो मुश्किल से 35-36 नंबर पा करके पास हो गया। अरे भैया कैसा है रिजल्ट मौलाना साहब? अरे बस गिरते पड़ते किसी तरह साल नहीं खराब हुआ, निकल गए। और वो सीना चौड़ा किए बैठा है कि हम बहुत अच्छे नंबरों से फारिग हो गए, मदरसे की सनद ली, सिर्फ पास होने वाले ने भी सनद ली और 100% नंबर पाने वाले ने भी सनद ली। उसको हार कम पहनाया गया जिसने कम नंबर पाया, उसको हार और नजराना ज्यादा दिया गया कम्युनिटी की तरफ से जिसने ज्यादा नंबर पाया। स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, उसने मेहनत की उसको फल मिला। लेकिन दिन गुजरे, जिसने नंबर कम पाया था, जो भी पढ़ा था सुन्नतों में, हदीस में, कुरान में, तफसीर में, उस पर अमल शुरू कर दिया। अल्लाह सुभान, उस पर अमल सुबह शाम कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, सुन्नतों के मुताबिक, और जो ज्यादा नंबर वाला था उसी में मगन रहा। मैं आलिमे कबीर हूँ, मैं मुफ्तीए कबीर हूँ, मेरे पास फिका की अजमतें हैं, मेरे पास इतना इल्म है। अमल से कम रहा, दूर रहा। अब बताओ मैदाने कयामत में वो नंबर जिसका ज्यादा था वो काम नहीं आएगा, मैदाने महशर में वो काम आएगा जिसने जो कुछ दीन पढ़ा था उस पर अमल किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो सिर्फ दिखावे पे ना जाओ, अमल देखो। खूब अच्छा स्टेज सजाया, बढ़िया से माइक मंगवाया, डिजिटल कैमरा, यूट्यूब, सब अच्छा लग रहा है, मगर ये नेकी नहीं है, नेकी अमल है। यू ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, अगर तुम नहीं बदलते हो तो ये सब बेकार, ये तड़का है। ये क्या है? ये सब तड़का है, जैसे तड़का मारा जाता है दाल में, लेकिन दालें ना हो तो तड़का कहां मारोगे, है कि नहीं? एक होता है छिलका और एक होता मग्ज गूदा। केला खाया है, उसका छिलका मोटा मोटा, उसमें गूदा, आयरन, होमोग्लोबिन के लिए केला खाना बहुत अच्छी बात है। कैल्शियम भी है, होमोग्लोबिन भी है, फोलिक एसिड भी है। छिलका छिलका किस लिए है? What is the purpose of छिलका? छिलका किस लिए? ताकि गूदे की हिफाजत हो। छिलका किस लिए? गूदे की हिफाजत। मगर छिलका मतलूब और मकसूद नहीं है, टारगेट छिलका नहीं है, कैल्शियम बढ़ाना है, आयरन बढ़ाना है। सिर्फ छिलका खाओ और गूदा फेंक दो, आयरन बढ़ेगा नहीं। ये जलसे, ये जुलूस, ये महफिल, ये नसीहतें, ये क्या है? छिलका है। इसका काम है गूदे की हिफाजत करना, अकीदे की, अमल की हिफाजत करना। इसकी तह में अमल हो, लेकिन अमल ही से तब्दीली आएगी। जैसे जब मग्ज खाओगे तो सेहत बढ़ेगी, ऐसे ही जब अमल करोगे तो तुम्हारी तरफ जन्नत बढ़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों लाखों रुपए खर्च करके दुनिया में चले जाओगे, इंजॉय करके, दीन को इंजॉय करके, मगर वो काम तुम्हारे नहीं आएगा, चूंकि तुमने जो दीनदारी दुनिया में दिखाई वो आर्टिफिशियल दीनदारी। क्या आजकल हमारे समाज में एक तो बेदीनी है, बेदीनी है,
और उसके मुकाबले में आर्टिफिशियल दीनदारी है, दिखावा। पहले लोग मजारों पे जाते थे तो पहले चार कुल पढ़ते थे, कलाम आयतल कुर्सी पढ़ते थे, साहेब मजार को बख्शते थे, खुद भी कलाम पाक का सवाब पाते थे। अब जाते हैं तो हर मजार को पूरा पूरा कलाम सुनाते हैं, शायरी पूरी पूरी सुनाते हैं। तिलावत कम हो गई, गुलूबाजी ज्यादा हो गई, कब्रिस्तान में भी गुलूबाजी चालू है। इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। आर्टिफिशियल दीनदारी नहीं करनी है, रियल दीनदारी करनी है। तुमने बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई, बनाना चाहिए, टाइल लगाए, पत्थर लगाया, मकराना का संगे मरमर लगाया, कालीन बिछाई, गलीचा बिछाया, सब तुम्हारे आराम के लिए ना, अल्लाह को थोड़ी चाहिए। एसी लगाया अपने आराम के लिए, खूबसूरत चटाइयां बिछाई, लाखों का मिंबर लगाया, सारा सजाया, चंदा दिया, मगर नमाज नहीं पढ़ी। तो ये पत्थर बख्शवाएंगे कि सजदे बख्शवाएंगे? फैशन में, मुकाबलेबाजी में, मेरे मोहल्ला तेरे मोहल्ले के कंपटीशन में मस्जिद तो खूबसूरत बना लिया, मगर इमारत नहीं बख्शवाएगी, सजदा बख्शवाएगा। कच्ची जमीन भी हो तो सजदा का गवाही देगी। इसलिए मुसलमानों, जेब और जीनत पर तवज्जो तो बिल्कुल देना चाहिए, मगर पहले अमल में रियलिटी हो, उसके बाद किसी चीज की क्वालिटी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। अमल करो पहले, अमल ही नहीं है तो 0/0 मिलेगा, क्योंकि अमल मेन है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये बात आ गई तो मैंने कहा शुरू ही में कह दूं, जब आप एकदम जाग रहे हो, शायद बाद में सो जाएं तो ये वाला ना सुन पाए। तो डर जो है क्या है, मैं रिप्लाई चाहूंगा आपसे, नेचर है, फितरत है। जब तुम इंसान हो तो इंसान के जो लवाजमाते फितरत हैं वो तुम पर अप्लाई करेंगे, तुम्हें डर भी होगा, गुस्सा भी होगा, हिर्स भी होगी। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज जानते हो क्या? ये तो इंसान का नेचर है। ये किसका नेचर है? इंसान का। लेकिन जब इंसान अपग्रेड हो करके साहिबे ईमान हो जाए, जब इंसान अपग्रेड हो गया, अब इंसान नहीं रहा, अब मोमिन हो गया, अब मुसलमान हो गया, अपग्रेड हो गया, अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया, बुलंद हो गया, इर्तिका पा गया, रफीउशान हो गया। तो इंसान जब बुलंद हुआ तो क्या बुलंद हुआ? खोपड़ी नहीं। जब इंसान ईमान की चाशनी में डूब कर ईमान की मिठास ले करके अपनी रिफात में आगे बढ़ गया तो पूरे फितरत के साथ मोमिन हो गया। पूरी फितरत को मोमिन होना चाहिए, हाथ को भी मोमिन, निगाहों को भी मोमिन, जबान को भी मोमिन, कदम को भी मोमिन, नेचर को भी मोमिन, सोच को भी मोमिन, समझ को भी मोमिन, अक्ल को भी मोमिन, थिंकिंग को भी मोमिन, फिक्र को भी मोमिन, ख्यालात को मोमिन, तखयुलात को मोमिन, एहसासात को मोमिन, इदराकात को मोमिन, फिक्र को मोमिन, अफकार को मोमिन, राय को मोमिन, सोच को मोमिन, हिर्स को भी मोमिन, गुस्से को भी मोमिन, लालच को भी मोमिन, डर को भी मोमिन, डर को भी, सब नेचर के साथ मोमिन बनो। ये क्या है कि सिर्फ मोमिन बन गए, कलमा पढ़ लिया,
मगर कलमे ला इला इल्लल्लाह पढ़ लेना आसान है, मगर तमाम आजा और जवारे और सोच और फिक्र का मोमिन बनना, तभी तो कहते हैं मोमिन की अजा और है मुल्ला की अजा और। सारे जवाहरात के साथ आप मोमिन हो जाए। अब आइए देखिए, समझ में आ रही ना बात? मैं आपको कुछ अलग ही अंदाज से समझाने बैठा हूं। फौरन बैठ करके जन्नत पहुंचाने की मेरी आदत नहीं है और ना मैं पहुंचा सकता हूं। जिन लोगों ने आपको एक एक रसीद पर जन्नत पहुंचा दिया है, आप उनके पास जाइए और एंजॉय करिए जन्नत। मगर मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं जो गफलत का नशा चढ़ा है वो उतर जाए, क्योंकि मेरे रसूल बशीर भी हैं नजीर भी हैं, बशारत देने वाले भी हैं डराने वाले भी हैं। और इसलिए है कि अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है और जन्नत भी बनाई है, तो उलमा को सिर्फ बशीर नहीं रहना चाहिए। अगर उनके नायब हैं तो आप बशीर भी रहिए नजीर भी रहिए। ऐसा ना हो कि एक एक कसीदे पर जन्नत दे दीजिए सबको। हम लोग एक एक कसीदे पर जन्नत पाएं, इमाम हुसैन तलवार के साए में जन्नत पाएं, कोई फर्क ही नहीं है। जन्नत जाना ऐसा आसान है जैसे परचून की दुकान। लोग पॉकेट में रख के जन्नत घूम रहे हैं, शोरा इस्लाम, बड़े बड़े लोग। बस जन्नत नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बस मदीने में 2 गज जमीन चाहिए। शायर ने पढ़ा, बस मदीने में 2 गज जमीन चाहिए। अबे 2 गज जमीन तू पाली में सबर नहीं होता तो मदीने में सबर होगा? बस मदीने में 2 गज जमीन चाहिए, हमें जन्नत नहीं। अक्सर मैंने सुना है लोगों को, हमें जन्नत नहीं चाहिए। अरे अल्लाह ने जन्नत बनाई है, इनाम है तुम्हारे सारे आमाले हसना का, शहादत का, इबादत का, रियाजत का, बंदगी का, मुजाहिदात का, सारा इनाम जन्नत है। और ये ना शुक्र कह रहा हमें जन्नत नहीं चाहिए, तो जन्नत मिलेगी भी नहीं, नहीं चाहिए तो। और मैंने शायर साहब से पूछा है लिफाफा चाहिए जन्नत नहीं चाहिए, इनाम चाहिए जन्नत नहीं? क्यों जज्बाती झूठी बातें करते हो और उसमें कुछ जाली सूफिया और तड़का लगाते हैं? जाली सूफी जो बनते हैं बाबा लोग, हम जन्नत की लालच में इबादत नहीं करते। अच्छा, दोजख के खौफ से इबादत नहीं करते? अरे बाप रे बाप, अल्लाह ने जन्नत रगबत के लिए ही बनाई है, तरगीब के लिए, ताकि रगबत हो। हदीस और कुरान में उसकी जो सिफात बयान की गई हैं, ताकि रगबत हो। ये सूखे सूफी, इनको जन्नत की लालच नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर, ये ड्रामे बाजों से जरा आप बाज आ जाइए। हमें दोजख के खौफ से, ये तो तुम्हें खौफ है कि मेरा एक मुरीद कहीं खसक ना जाए, और जहन्नम का खौफ नहीं है। एक पैसे वाले मुरीद की एक बात टालने की हिम्मत ऐसे जाली बाबाओं में नहीं है। गरीब मुरीद हो तो झड़क दिया जाएगा, पैसे वाला होता रे जो कहिए मैं करने को तैयार। जन्नत नहीं चाहिए, जाली जन्नत बनी ही है रगबत के लिए। उसके इनामात इसलिए हैं कि उसको सुनकर दिल खुश हो और उसकी तरफ रगबत पैदा हो, और खौफे खुदा जहन्नम के अजाब सुनकर के रूह कांप जाए, इसीलिए बनी है जहन्नम। और जन्नत की लालच अगर नहीं है ना आपको, तो इसका मतलब कि आखिरत पर आपका यकीन नहीं है। और अगर जहन्नम से खौफ नहीं है,
तो आखिरत का तसव्वुर तुम्हारा कमजोर है। जो आखिरत पर अकीदा कामिल रखता है उसे जन्नत की लालच भी है, दोजख से खौफ भी है। सुधारो अपने आमाल को, हमें जन्नत नहीं चाहिए। क्यों? अरे वही एक वाकया सुन लिया। कहा इसलिए नहीं चाहिए, देखो हजरत राबिया हालत शुक्र में एक हाथ में आग लेके निकली और एक हाथ में पानी लेकर के निकली, वारुस्तगी के आलम में चलने लगी। लोगों ने पूछा, अय राबिया ये जज्बात में कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि मैं आग से जन्नत को जला दूंगी और पानी से जहन्नम को बुझा दूंगी। लोग जन्नत की लालच में और दोजख के खौफ से नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में कोई नहीं पड़ता उसकी रजा में। देखा ये राबिया ने किया, हम भी जन्नत की लालच में नमाज नहीं पढ़ते। रिफरेंस हजरत राबिया का। ऐसे बाबा लोग, बुजुर्गों की बड़ों की बात बहुत बड़ी है, उनका दर्जे कमाल है, वो कहां से बोलते हैं? अरे तू मुब्तदी है, तू अभी पहले क्लास में है, तू राबिया के जगह से क्यों बोलने लगा? पहला केजी वाला इंटरमीडिएट की कुर्सी से बैठ के बात नहीं करेगा। मगर ये जाली बाबा, नकली मौलाई और फेंकू सहाबा के आशिक, इनके पास यही काम है। मैंने कहा तेरा नशा मैं उतारता हूं। मैंने कहा सुन, चल तू ये कह रहा है राबिया, राबिया की मजाल है, अल्लाह ने जन्नत को इनाम के लिए बनाया, राबिया की मजाल है कि वो जन्नत को जला दे। अरे राबिया की ये मजाल की उस जन्नत को जला दें जो अंबिया और औलिया का मस्कन हो, जिसकी सरदार सैयदतुन नसाई जन्ना फातिमा जहरा जन्नती औरतों की सरदार हो, उस जन्नत को राबिया जला सकती है। जहां के सरदार हसन हुसैन हो उस जन्नत को राबिया जला सकती हैं, और उस दोजख को राबिया बुझा पाएंगी जहां का ईंधन नमरूद और शद्दाद और फिरौन और यजीद जैसे खलनायक हो। अबे नादान, न वो जन्नत को जलाने जा रही थी, न वो दोजख को बुझाने जा रही थी, वो तो उम्मत को समझाने जा रही थी कि इबादत अल्लाह की मोहब्बत में करो। ये तुम्हारी फुर्सत के लिए नहीं जा रही थी कि तुम घर भेज के बैठ जाओ, एक को टाइम की नमाज ना पढ़ो और अपने आप को बाबा और सूफी कहलाओ, अंगूठी 10-15 ठो पहने रहो और नमाज एक को टाइम ना पढ़ो। ऐसे ही एक पीर साहब थे, वो लोग पीर नहीं है जो शरीयत के खिलाफ काम करें, ये धंधा पानी देख के किया करिए आप लोग। एक बाबा ऐसे ही थे, वो मुरीद के यहां टिक गए, जब टिक गए तो टिक गए, बहुत लोग टिक जाते हैं। फजर छोड़ा, जोहर छोड़ा, असर छोड़ा, मगरिब छोड़ा, ईशा छोड़ा, दूसरा दिन हुआ फिर फजर छोड़ा, जोहर छोड़ा, असर छोड़ा, मगरिब छोड़ा, ईशा छोड़ा, सब छोड़ा, दिन भर लंबी लंबी छोड़ते रहे और नमाज भी छोड़ते रहे। 3 दिन हो गए छोड़ते छोड़ते, तो मुरीद भी आजीज आ गया, कहा हे हजरत तू पीर हो, आप पीर और मुर्शिद हैं? कहा बताओ। कहा 3 दिन हो गए, एक को दिन आपने नमाज नहीं पढ़ी, न फजर न जोहर न असर न मगरिब न ईशा, 3 दिन गुजर गए मैं देख रहा हूं। अब पीर साहब, ऐसे ऐसे लोग तो जलाल में भी जल्दी आते हैं, है ना। कहा नादान,
तेरी आंखों में वो ताबे नजारा नहीं है जो मेरी लतीफ और बारीक इबादत का मुशाहिदा कर सके। तू क्या ताकत रखता है कि मेरी इबादत को देख सके? मैं काबे में पढ़ता हूं नमाज, मैं मुजदलफा में पढ़ता हूं, मैं जबल रहमत पे पढ़ता हूं, मैं बैतुल मकदीस में पढ़ता हूं, जहां दिल चाहता है मैं पढ़ता हूं। तू क्या जाने, तू क्या देख सकता है? मुरीद भी तीन दिन से खिला खिला के परेशान था, कहा ए हजरत, दावत मेरे घर खाते हो और नमाज काबा में पढ़ते हो? चिकन यहां, मटन यहां, भेजा यहां, कीमा यहां और नमाज काबा में? ऐसा करो, कल से अब दावत भी काबे ही में खा लेना। खैर, अमल के कुछ होने वाला है। तुमको मुर्शिद बनना है, लोगों को रास्ता दिखलाना है, ना कि तुम जिंदीक बने हुए गुमराह कर रहे हो लोगों को। ये लोग सिर्फ चमत्कार को देख करके अगर किसी को पीर मानने लगेंगे तो फिर पूरी उम्मत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है इस तरह के ना हंजार लोगों को अपना मुर्शिद चुनने के लिए। शरीयत प्रथम है, सर्वप्रथम है। तो तमाम औसाफ इंसानी जब मोमिन बनते हैं, खत्म नहीं करना इंसानियत की सिफत को, खत्म नहीं करना उस सिफत को, डाइवर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाना है, शर से खैर की तरफ लाना है। खत्म नहीं होगा ये, खत्म करने ना नबी आए हैं ना औलिया आए हैं। नेचर खत्म नहीं होगा, क्या होगा? डाइवर्ट होगा, कन्वर्ट होगा शर से। युखरिजो मिनज जुलमात इलन नूर, तारीकी से निकल करके रोशनी के आ जाएगा। ईमान की चाशनी में जब वो अमल डूबेगा तो खौफ अपग्रेड होता है। इंसान का जब खौफ ईमान में अपग्रेड होता है, जानते हो, तो डरना नेचर है। रोज डरते थे, हर आदमी से डरते थे, किसी भी डेंजर से डरते थे, बड़े से डरते थे, जैसे ही कोई बड़ा आता डरते थे, पाली के बराबर आता डरते थे, राजस्थान के मुकाबले में आया डरते थे, इंडिया लेवल का गया डर गए, एशिया लेवल का आया डर गए, वर्ल्ड लेवल का आया डर गए। डरने का तसलसल जारी, चूंकि डरना फितरत है। लेकिन जब मोमिन बन गए तो हर बड़े से डरना ये नेचर है, हर बड़े से डरना नेचर है, हर मुहिब से बचना डरना ये नेचर है, हर खतरनाक से डरना ये नेचर है, हर बड़े से डरना। एक बड़ा आया उससे डरे, उससे बड़ा आया उससे डरे, उससे बड़ा आया उससे डरे, फिर उससे भी बड़ा आ गया उससे भी डरे। इंसान के तौर पर तुम डरते रहे, लेकिन अब चूंकि ईमान वाले हो गए हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, अब तुम्हारा खौफ अपग्रेड हो गया। अरे डरने वालों, अब तुम्हें डरना है तो छोटों से नहीं डरना, सबसे बड़े से डरना। इसीलिए मस्जिद के मीनारों से रोज पंज गाना यही आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ए ईमान वालों, अब तुम्हारा मिजाज और मेयार ये है कि तुम्हें डरना है तो सबसे बड़े से डरना है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर बड़े से डरना नेचर था, जब ईमान वाले हुए तो सबसे बड़े से डर गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अब उससे बड़ा कोई है ये नहीं, तो आगे डरना ही नहीं है। इसीलिए जो अल्लाह से डर जाता है तो फिर किसी से नहीं डरता, क्योंकि डरेगा उससे जो उससे बड़ा है। तो दुनिया में तो बड़े आते रहे मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह से जो डर गया, सबसे बड़े से डरने के बाद किसी से डरना ही नहीं है। मगर इस डर में खूबी क्या है? दुनिया में अगर आदमी किसी से डरता है तो उससे भागता है,
उससे दूर होता है। शेर से डरोगे तो भागोगे, चीता से डरोगे तो भागोगे, सांप से डरोगे तो भागोगे, कुत्ते से डरोगे तो भागोगे, मगर अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह के और करीब हो जाओगे। अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह के और करीब हो जाओगे। डरने के लिए एक चीज और चाहिए, डरने के लिए सिफत से वाकिफ होता है आदमी तो डरता है। सांप से क्यों डरते हो? इसलिए कि वो लंबा लंबा होता है, है? बोलो भैया, पाली वालों लिज्जत पापड़। सांप से क्यों डरता है आदमी? जहर, उसके जो दांत में पॉइजन होता है, जहरीला होता है। तो जहरीले से डरते हो क्योंकि जहर की सिफत तुम्हें मालूम है। चीते से डरते हो क्यों? खतरनाक पंजा होता है, उसकी झपटने की ताकत जानते हो। शेर से डरते हो, भेड़िए से डरते हो, कटहे कुत्ते से डरते हो। अब तो कुत्ते से ज्यादा डर लगता है। चीते से ज्यादा भी कुत्ते से डर लगता है, शेर से ज्यादा कुत्ते से डर लगता है, काट लेता है। तो काट लेने की सिफत आपको मालूम है, इसलिए डर लगता है। अगर तुम्हें इन मखलूकात जिनकी कोई हैसियत नहीं उनकी सिफात को जानते हो तो तुम्हें डर लगता है, मगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत और कुव्वत की सिफत का अंदाजा नहीं। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। वो अगर गफूरुर रहीम है तो कहारो जब्बार भी है। उसने अगर जन्नत बनाई है तो जहन्नम भी बनाई है। जन्नत इतनी बड़ी बनाई है कि सारी दुनिया जन्नती हो जाए तब भी जगह कम नहीं पड़ेगी, और खुदा ना खास्ता जहन्नम भी इतनी बड़ी बनाई है कि सारी दुनिया जहन्नमी हो जाए तब भी प्लाट उपलब्ध रहेगा। लिखा रहता ना, प्लाट उपलब्ध है, वहां प्लाट उपलब्ध है। याद रखना, अल्लाह कहार और जब्बार है, उसका उसकी निशानी यह है कि उसने जहन्नम बनाई। अल्लाह गफूर रहीम है, उसकी निशानी यह है कि उसने जन्नत बनाई। और रसूल बशीर और नजीर हैं, इसलिए कि उसकी कहारी और जब्बारी और जन्नत और दोजख के अजाब को बताने वाले हैं। तो जब इंसान का खौफ अपग्रेड होता है तो वो खुदा से डरने लगता है। गुस्सा है ना, जो तुम लोग घर में जाके दिखाते हो, और जिसका गुस्सा कोई नहीं देखता वो अपनी बीवी को जाके दिखाता है, जो उठे के प्लेट पटकता है। एक साहब से पूछा, हम कहा क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? कह रहे हजरत, साल महीने में एक बार गुस्सा करना चाहिए, बीवी राइट टाइम हो जाती है। बड़ा संयोजित गुस्सा है, स्ट्रेटेजिकल गुस्सा है, और बीवियां भी ऐसे गुस्से में होती हैं। गुस्सा पी लेना बहादुरी है, समझ गए मुसलमानों? गुस्से पे कंट्रोल करो, हराम गुस्सा मत करो। हां, गुस्सा को तुम मोमिन बना सकते हो। वही गुस्सा है, मुझसे कहते मेरा बेटा हजरत बड़ा जिद्दी है। हमने कहा इसकी जिद का इस्तेमाल दीन के लिए करो, ये मटेरियल है। औरतें शिकायत करती हैं, हजरत ये मेरा लड़का है ना, कुछ खाता ही नहीं। हाँ,
कुछ नहीं खाता, हाँ कुछ नहीं खाता, कुछ खाता ही नहीं। हमने कहा जिंदा कैसे है? अबे ये क्यों नहीं बोलती तू कि घर का नहीं खाता है? बाहर कुरकुरे मुरमुरे अंकल चिप्स है ना, ऐसा बोलते लोग। उनके लफ्जों पे चले जाओ तो गुमराह हो जाओ, कुछ खाता ही नहीं। अब बाबाओं को मौका मिल जाता है, अरे जरूर किसी ने कुछ कर दिया होगा, ऐसा करो कबूतर का दूध ले आओ, मुरैला के पंख ले आओ, आकर करहा ले आओ, फलां ले आओ, 18,000 का मटेरियल मिलेगा, सब ले आओ। बाबा नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, पैसा दे दो मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा। अरे ऐसे बाबाओं, ये क्यों ये बाबाओं को मौका मिलता है जानते हो? इसलिए कि तुम्हारा घर, सरकार फरमाते हैं अपने घर को कब्रस्तान न बनाओ। कब्रस्तान का मतलब मनहूसियत, नहुसत, बर्बादी, बेरौनकी, बेबरकती। क्यों या रसूल अल्लाह, क्यों कब्रस्तान कैसे बनाते हैं? कहा जिस घर में नमाज न पढ़ी जाए वो कब्रस्तान है। मेरी माँ और बहनों, अपने घर को सजदों से आबाद करो। नौजवानों, अपने मोहल्ले की मस्जिदों को सजदे से आबाद करो। जब तुम इबादत और रियाजत और बंदगी और तकवा तहारत करते रहोगे तो ये झूठे पापाओं से नजात मिल जाएगी। अगर मुसीबत होगी तो सब्र सुकून सीख जाओगे, और अगर अल्लाह की रहमत होगी तो बरकतें तुम्हारे घर में आने लगेंगी। समझ गया? दीन सलूशन है, मजहब सलूशन है, अच्छे काम सलूशन है, इबादत और रियाजत सलूशन है। हर छोटी छोटी बात के लिए छूछा छूछा करने लगते हो। अरे अल्लाह ने सब्र किस दिन के लिए बताया? हिल्म किस दिन के लिए बताया? तैनात किस लिए बताया है? बर्दाश्त किस दिन के लिए बताया है? किस दिन मुसीबत को बर्दाश्त कब करोगे? फौरन तुम्हारा मसला हल हो जाना चाहिए तो बर्दाश्त कब करोगे? उसका सवाब कब मिलेगा? सब्र कब करोगे? उसका सवाब कब मिलेगा? इसलिए बर्दाश्त सीखो। छोटी सी मुसीबत हुई नहीं चालू, अरे मैं आया जब बगदाद शरीफ से, बगदाद शरीफ से मैं आया, हमारे उलमाए किराम बेचारे जो पढ़ के आते हैं ना, कौम उनसे पूछती ही नहीं, ये हदीस पढ़ के आए, कुरान पढ़ के आए। मैं आया पढ़ के, अभी सांस लेके बैठा ही नहीं था कि मैदान में एक साहब आए, का सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हुजूर बड़ी प्रॉब्लम है। हमने कहा क्या? कहा मेरी बकरी गायब हो गई है, ताबीज लिख दीजिए। हमको अब रहा फाजिले बगदाद का काम, फिका हदीस फलसफा हिकमत सब पढ़ गए हैं, इनकी बकरी ढूंढ हैं। ये बेचारे फकी हैं, हिदाया पढ़ी है, बुखारी पढ़ी है, दीन बताते शरीयत बताते, लेकिन कौम ये सब पढ़ करके आए, आलिम बन के आए, दस्तारबंदी लेके आए। कौम ने कहा पानी फूंक दीजिए। अच्छी बात है, अल्लाह का कलाम फूंक दे। ये जिंदगी भर इंतजार करते रहे कि जो मैंने पढ़ा है वो कौम कब पूछेगी, वो मैं कब बताऊंगा। वो मौके नहीं मिलता बाबा लोगों से। अब इनको भी बाबागिरी करनी पड़ती है, मजबूरन करनी पड़ती है, और कभी कभी तो इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि क्या करें। मुतवल्ली को दुआ दें कि खुद बाबागिरी करें। समझ गया? तो ये है, तो गुस्सा जो है जब मोमिन बनता है, आप देखें हजरत उमर जब इंसान थे तो सारा मक्का डरता था। तवज्जो, जब इंसान थे सिर्फ इंसान तो जिधर से चले जाते रहे भागो भागो, उमर आ रहे हैं। जब इंसान थे
तो इंसान डरते थे, जब उमर का गुस्सा मोमिन बना तो उमर से इंसान नहीं शैतान डरने लगा। गुस्सा नहीं खत्म हुआ ना, वो गुस्सा कन्वर्ट इन ईमान, तो यूजफुल फॉर इस्लाम हो गया, यूजफुल हो गया, तो खत्म नहीं हुआ उसको यूज। तू ए मेरे नौजवानों, कोई क्वालिटी खत्म नहीं है, उसको डाइवर्ट कन्वर्ट करके उसको फ्रूटफुल और यूजफुल कर दो अपने दीन के लिए, ताकि तुम्हारी जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाए और इस्लाम का सरमाया बन जाए, इस्लाम की ताकत बन जाए। समझ गया? आज तुम्हारी जवानी कहां काम आ रही है? रात भर हुक्का, मुसलमान बच्चों की पहचान शीशा, हुक्का, केमिकल वाला फ्लेवर, बारबेक्यू, टिक्का, कबाब खाना, हुक्का, और जो फजर का टाइम हुआ, अच्छा चलो अब नमाज हो रही है, अब सोया जाए। रात भर जागना, नमाज के टाइम सोना, जिस वक्त बरकत होने वाली है, इरफान बटने वाला है, इल्म बटने वाला है, रोजी बटने वाली है, उस वक्त सोया जाए। तुम सोओगे तो तुम्हारी किस्मत सो जाएगी, नसीब सो जाएगा, मुस्तकबिल सो जाएगा, फ्यूचर सो जाएगा, जिंदगी सो जाएगी। इसलिए जागने का एहतमाम करो, सुबह उठो, जो सुबह उठता है जमाने में वही उठता चला जाता है। यहां तो हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जब जाओ ना तो बूढ़े मिलते हैं, जब जवान रहते हैं तो ये भी नहीं जाते। जवानी में नहीं जा रहे, जवानी में तो इधर उधर रंगीनी ये वो, और जब बूढ़े हो गए तो बेचारे कहाँ जाएं, मस्जिद जाएं। सारा टाइम जवानी का बुराइयों में, गफलतों में, सुस्तियों में, रंगीनियों में, कोताहियों में, गफलतों में गुजार दिया, और जब बूढ़े हो गए तो दीन याद आया, अब इबादत कर रहे हैं, अब तौबा कर रहे हैं। याद रखो, बूढ़ों की तौबा भी बूढ़ी होती है, और बूढ़ों की इबादत भी बूढ़ी होती है। इबादत जवानी की करो, जवानी में तो जवानी मस्तानी, और उसके बाद जब बूढ़े हो गए तो मैंने तो देखा है बाज बूढ़ों के बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बाज तो सारी जवानी गुजार चुके, अब उनको कोई टाइम ही नहीं देता, ये नौजवान लोगों के पास टाइम नहीं कट रहा है, इनको कोई सुनने वाला नहीं है, इनके झक्की खोपड़ी को कोई सुनने वाला नहीं है, ये बेचारे मस्जिद चले जाते हैं, 12-1 बजे जाना था 11 बजे चले गए, कभी ये वाला बल्ब जलाते हैं, कभी ये लाइट, कभी वो पंखा, कभी इधर की चटाई उधर, उधर की चटाई इधर, ये मुसल्ला इधर खसकाया, फिर उसको इधर खसकाया, फिर इसको ये किया, अब टाइम ही नहीं कट रहा है, क्या करें। अल्लाह अकबर, काश कि टाइम पास के लिए मस्जिद ना जाना, मजबूर होके मस्जिद जाना और है, और मसरूर होके मस्जिद जाना और है। जवानी तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है, राजनीति हम लोकसभा में कम है, हम विधानसभा में कम है, ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने गांव और अपने मोहल्ले की मस्जिद में कम हो। मस्जिद की सफों को भरो, इनकलाब अम्ब्रेला छतरी से नहीं आएगा, इनकलाब जमीन से आएगा। ग्राउंड लेवल से नेक बनो, अच्छे बनो, सुथरे बनो, पाकीजा बनो, सफ ब सफ खड़े हो, ये सफ लगना, ये यहां से इसकी सफ बंदी होगी। जब तुम मोहल्ले में इकट्ठा नहीं हुए तो दिल्ली में क्या इकट्ठा होगा। इसलिए उस सिफत को जो इंसानी थी सिर्फ, लेकिन उसको ईमान की चाशनी में डुबो दो तो वो शर से खैर के लिए काम करने लगेगी।
आप देखें लालच, लालच इंसान का हिस्सा है, लालची है इंसान, बड़ा लालची है, लालच है ना नेचर। और मिले पैसा हो चाहे जैसा हो, रातों रात अमीर बनने की चाह, घर बनाने की चाह, बंगला बना, लालची। मगर यही लालच, यही लालच अगर डाइवर्ट होके, कन्वर्ट होके, शर से निकल के खैर की तरफ चली जाए तो दुनिया की लालच छूट जाएगी। अगर आखिरत की लालच आ जाए तो सारे अमल संवर जाएंगे, सारे अमल बेहतर हो जाएंगे। सरकार फरमाते हैं, और सर देखिए हरीस, हरीस माने लालची, तमा, जिसमें तमा हो, हरीस हो, चाहत हो, तलब हो, वो हरीस है। हम भी हरीस हैं दुनिया के, और कुरान में मेरे नबी को भी हरीस कहा गया है, हरीसुन अलैहि मा अनितुम। हमें दुनिया बनाने की हिर्स है, बचाने की हिर्स है, मेरे नबी को उम्मत को बख्शवाने की हिर्स है, उम्मत को बचाने की। सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ करके जहन्नम की तरफ से खींचता हूं और तुम उधर ही चले जाते हो। चालाकी भी इंसान की फितरत है, चालाक होना, पैतरेबाज होना, प्लानिंग करना। उसकी मिसाल देता हूं, जंगे उहुद है, सरकार ने 50 सहाबा को दर्रे पे लगा दिया कि हटना नहीं, सिचुएशन कोई भी हो, सरकमस्टेंसेस कैसे भी आए, जीते हारे, जंग इधर से उधर हो, तुमको यहीं रहना, पोजीशन पर खड़े रहना है, हटना नहीं है। पीछे से दर्रा था, सरकार ने वहीं बैठा दिया, हटना नहीं है। हे बेटा, हे बातों से ज्यादा कीमती ये नहीं है, सुन्नियों माने खाओ खिलाओ, जहां खाना है वहीं जाना है, और जहां खाना नहीं वहां जाना नहीं। सारा काम पेट से शुरू होता है, पेट पे खत्म होता है, बाकी पेट का सवाल है। अरे पेट पे कंट्रोल पड़ो करो, जो कौम ज्यादा खाती है वो अहमक होती है। कभी मौका मिला तो भूख की फजीलत बताऊंगा, ज्यादा खाने वाले क्या होते हैं, बेवकूफ। जो कौम भूखी थी, पढ़ा लिखा मेहनत की, आज वो ऑफिसर हैं, और जमींदारों के बच्चे मुंह में लॉलीपॉप लिए घूम रहे हैं, उनकी नाक बह रही है, बेशऊर है, क्यों, मेरी 50 बीघा जमीन है, और उनके लड़के चूचू का मुरब्बा, और जिन्होंने स्ट्रगल किया, लाइट की रोशनी में पढ़ा, गरीब थे, उनको लोग जलील समझते थे, मेहनत किया, भूखे रहे, और भूख से अक्ल आई, अक्ल से शऊर आया, इनकलाब आया, आगे बढ़ गए। ये खाने वाले नवाबों के वंशज और मुगलों की नस्लें पता ही नहीं कहां गई खा पी के, उनके दस्तरखान गायब, वो दस्तरखान हम लोगों ने ले लिया, वो सारा खाना जो कभी मुगल और नवाब खाते थे वो आजकल हम लोग खा रहे हैं, तो हम भी बिगड़े नवाब हो गए। देखा नहीं, खाता पीता यजीद हार गया, भूखा हुसैन जीत गया। भूख से इनकलाब आता है, भूख से बदलाव आता है। मगर यारे सुन्नी मुसलमान, धै तीजा धै चालीसवा, न मरने में न जिंदा में, न पैदा होने में, न जाने, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि कहते हैं कि कुछ लोग दस्तरखान पे खाते हैं और कुछ लोग दस्तरखान को खाते हैं। अल्लाह बड़ी खाती पीती कौम है माशाल्लाह। खाने पे तो इतने दलाइल दिए हैं लोगों ने, खाने पे इतनी दलीलें हैं, इतनी दलीलें हैं कि पूरी किताब भर गई है।
समझ गए आप। तो दोस्तों और अजीजों, लाला देखिए, सरकार ने फरमाया इस दर्रे से आगे हटना नहीं। अब वो लोग लगे रहे, इस्लाम मुसलमानों को फतेह हो गई, माले गनीमत बढ़ने लगा, ये हो गया कि ओके अब तो सब खत्म हो गया, हम जो जीत गए हैं, काफिरों पे फतेह हो गई है, अब जो है क्या है, वो भी जगह छोड़ गए। दिमाग वाले थे खालिद इब्ने वलीद, बहुत ही क्लेवर मैन, बहुत ही चालाक आदमी, स्ट्रेटजी बनाने वाले, पैतरे बाद। उन्होंने देखा कि वो पीछे से जो खो रसूल जिस पर बैठे थे लोग सिपाही, वो छूट गई है, वो पीछे से घूम के आए और उस दर्रे से घुस करके पीछे से अकब से आके फिर उन्होंने मुसलमानों पे हमला, जो जो जंग जीत चुके थे फिर से मुसलमान हजीमत का शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह की बताई हुई जगह छोड़ दी थी। मुसलमानों, रसूलुल्लाह जो जगह बता दिए हैं अगर उसको छोड़ोगे तो कभी सुरखुरू नहीं हो पाओगे, इसलिए तहैया करो, मेरे नबी ने जो उसवे हसना दे दिया है, जो अमल दे दिया है, जो हयात दे दी है, जो पाकीज़गी की दौलत दे दी है, जो शरीयत दे दिया है, जो दीन दे दिया है, जहां अपनी उम्मत को खड़ा कर दिया है, उम्मत ये अहद करे कि रसूलुल्लाह की बताई हुई जगह को नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह कामयाब और कामरान रहोगे। वहां छोड़ दिया, हजीमत हो गई। तो जब खालिद इब्ने वलीद इंसान थे तो चालाक थे, लेकिन जब वो मोमिन बने, अब उनकी चालाकी चालाकी न रही, बसीरत बन गई, हिकमत बन गई। पहले खालिद इंसान थे तो चालाक थे, अब उनकी ये बसीरत जब काम आई इस्लाम के और दीन के, अब वो आम इंसान नहीं रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने उन्हें अल्लाह की तलवार कह दिया। जब इंसान थे तो चालाक थे, जब मोमिन हुए तो सैफुल्लाह हो गए। चालाकी खत्म हुई क्या? नहीं, जुल्मत से निकल के नूर की तरफ आ गई, प्यूरिफाई हो गई, उसमें तहारत और पाकीजगी आ गई, एक और नेचर है। बोलूं, आगे बढ़ूं? जो सो रहे हैं हाथ उठावें। हाँ, एक मिला, उसको बुलाओ, हार पहनाओ, स्टेज पे बुलाओ और हार पहनाओ। कहा कब्रिस्तान में तो हम छोड़ चुके, एक चलती फिरती कब्र पे यहां भी डाल दें। इंसान में एक मिजाज है जिद, क्या है? क्या है जिद? जिद जानते हो कैसे होती? बच्चे जिद करते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं अपने अम्मा अब्बा के आगे, मैं यही लूंगा, यही खिलौना लूंगा, यही यही। अम्मा अब्बा भी हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं क्यों नहीं। दूसरों बच्चों के मुकाबले में अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, दूसरों को देख के फिर अपने बच्चों को पालते हैं कि मेरा बैठ, किसी को कुछ कमी ना रहे। वो छोटा छोटा खिलौना जिद करता है, मैं यही लूंगा, यही खिलौना लूंगा, यही कलर लूंगा, यही मिठाई लूंगा, यही चॉकलेट लूंगा, यही आइसक्रीम लूंगा, यही लूंगा। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं यही लूंगा। अभी धीरे धीरे बढ़ता है, अब उसके खिलौने बदलते चले जाते हैं। पहले यही खिलौना लूंगा, यही लूंगा, 12 साल 14 साल 18 साल के, अब इसी से करूंगा, करूंगा तो इसी से करूंगा। अब अम्मा अब नहीं बेटा, बाबा के पास है तावीज लिखा रहे, यही से करूंगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, इसी सोसाइटी में मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं तो मैं पॉइजन खा लूंगा। अब जिद पूरी करने की आदत, खिलौने बदलते रहते हैं। इसीलिए मेरी नसीहत है कि जब बच्चे जिद करें, अगर 5 बार जिद करें तो
चार बार या तीन बार उनकी जिद को डैमेज कर दो। कौन? नहीं बेटा, जिद करके मांगोगे तो नहीं दूंगा। रिक्वेस्ट करो, मुस्कुरा के मांगो, रो के मांगो, जिद नहीं। जिद की प्रैक्टिस मत कराओ, नहीं बाद में बाबाओं का चक्कर लगाओगी। माँ बाप से ही गुजारिश है, वो फिर बाद में अम्मा चाहते हैं अपने हिसाब से बहू ले आए जिसमें उनकी जिद पूरी हो जाए, फिर बहू आकर के फिर अपनी जिद दिखाती है और ये मैं इसी से करूंगा, मैं इसी से करूंगा। तो जिद्दी इंसान, मैं यही लूंगा, किसी एक चीज पर डट जाना ये जिद है। क्या है? जिद है। बड़े बड़े लोग भी करते हैं, मैं ही उद्घाटन करूंगा, मैं ही इस्तकबाल करूंगा, मैं इन्हीं को बुलाऊंगा। अल्लाह अकबर, जिद। ठीक है, लेकिन जब यही जिद मोमिन बनती है, यही करूंगा, यही यही करूंगा, डटा रहूंगा, हटूंगा नहीं, यही मानूंगा, तो जब जिद मोमिन बनती है तो फिर वो जिद नहीं कहलाती, इस्तिकामत कहलाती है। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तकामू, जो कहते हैं कि अल्लाह ही हमारा रब है, उसी पर डट जाते हैं। ये डटना, ये ईमान की निशानी है, ये इस्तिकामत की निशानी है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मोमिन बनती है। देखो करबला के मैदान में, करबला के मैदान में हुसैन ने कहा मैं हाथ नहीं दूंगा, मैं हाथ, सल्तनत ले लो, गवर्नरी लो लो, पैसा ले लो, जान बच जाएगी, कुंबा बच जाएगा, खेमा बच जाएगा, मगर हाथ दे दो। कहा कुंबा ले जाओ, हाथ नहीं दूंगा। कासिम ले जाओ, हाथ नहीं दूंगा। अली अकबर ले जाओ, हाथ नहीं दूंगा। खानदान ले जाओ, हाथ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो ये हुसैन की जिद नहीं, ये हुसैन की इस्तकामत है कि यजीद के दरबार में हुसैन का सर पहुंचा मगर हाथ नहीं पहुंचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, शहीद आजम, फैजाने करबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब जिद मोमिन बने, मोमिनाना जिद, तो जब जिद मोमिन बनती है तो क्या बन जाती है? इस्तकामत बन जाती है। तो हम ईमान वाले अपनी इंसानी सिफात को ईमान के लिबादे में अपग्रेड करें। और ये तो अभी बात एक ही हिस्सा हुई है, और तीन बजने को आए हैं, मेरे ख्याल से डेढ़ घंटे से ज्यादा हो गए। बस अपनी बात खत्म करता हूं। और तकवा इख्तियार करो, जैसा कि उसका हक है, ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी वाला, हक अदा करो। यानी अल्लाह से डरो, गुनाहों से बचो, ये सोच के नहीं। बहुत से लोग एक दूसरे को नसीहत भी, माँ बाप भी करते हैं, गुनाहों से बचते भी हैं, लेकिन उसमें सोच क्या रहती है? ये मत करो, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ऐसी हरकत मत करो, दोस्त दुश्मन क्या कहेंगे, ऐसा मत करो, उस्ताद जी क्या कहेंगे, ऐसा ना करो, शागिर्द क्या कहेगा, ऐसा मत करो, पीर साहब क्या बोलेंगे, पीर साहब ऐसा मत करो, मुरीद क्या बोलेंगे, पाली वाले क्या कहेंगे, राजस्थान वाले क्या बोलेंगे, दुनिया क्या कहेगी, अम्मा क्या कहेंगी, अब्बा बच्चे क्या कहेंगे। बुढ़ऊ ऐसी हरकत मत करो, बच्चे क्या कहेंगे, बच्ची ऐसी हरकत ना करो, दादा क्या कहेंगे। ये तकवे का हक नहीं है, बल्कि गुनाहों से बचो तो इस तसव्वुर यकीन के साथ कि मेरा मौला क्या कहेगा, मेरा रब क्या कहेगा। अल्लाह को जवाब दे बनो, किसको? मुतवल्ली को नहीं, इमाम को नहीं, अल्लाह को जवाब दे। अपने आमाल के जवाब दे अल्लाह को बनाओ कि तुम बारगाहे इलाही में जवाब दे हो,
और जब अल्लाह को जवाब दे रहोगे तो दरवाजा बंद है, तब भी खौफे खुदा करोगे। वरना फिर ये सोच के गुनाह छोड़ोगे कि मोहल्ला क्या कहेगा, तो जब मोहल्ले के बाहर रहोगे तो कर लोगे। और जब ये सोच के गुनाह छोड़ोगे कि मुक्तदी क्या कहेंगे, तो जहां मुक्तदी नहीं रहेंगे वहां कर लोगे। ये सोच के छोड़ोगे कि जमाना क्या कहेगा, शागिर्द क्या कहेंगे, तो जहां ये वो लोग नहीं होंगे तो कर लोगे। नहीं, गुनाह अल्लाह के खौफ से छोड़ो कि अल्लाह को जवाबदेह होना है, और वो अलीम व खबीर है, समी व बसीर है। जैसे शेर चीते की सिफत जानते हुए तुम डरते हो, ऐसे ही अल्लाह की सिफत समी व बसीर है, अलीम व खबीर है। वो जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, जो छुप के करते हो, जो ऐलानिया करते हो, सब वो जानने वाला है, सबका वो हिसाब लेने वाला है। इसलिए खौफे खुदा की वजह से गुनाहों से बचो। उसका सबसे सिंपल तरीका मैं तुम्हें बताऊं, जो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आएगा। जहां अल्लाह ने तुम्हें रहने और जाने और होने का हुक्म दिया, जहां रहने का जाने का होने का हुक्म दिया है, वहां से कभी अल्लाह की नजरों से गैर हाजिर ना हो। अल्लाह ने जहां कहा यहां हाजिर रहना है, ऐसा करना है, वहां कभी गैर हाजिर ना हो। और जहां अल्लाह ने कहा यहां नहीं रहने का, वहां कभी हाजिर ना हो। अल्लाह की नजरे मशीयत तुम्हें शराब खाने में न देखे, जुआ खाने में न देखे, फवाहिशात के अड्डों पे न देखे, बाजार में बुराई करते हुए न देखे। उसकी नजरे मशीयत तुम्हें मस्जिद में देखे, काबा में देखे, मदीना में देखे, कुरान की तिलावत करते देखे। और ये जो दो बैठे हैं कलम लेके कागज लेके, कोशिश करो, ये नेकी लिख रहा है, ये बुराई लिख रहा है, तुम्हें मालूम है कि दोनों बैठ के लिख रहे हैं, तो कोशिश करो इसको मौका न दो, यही लिखता रहे, यही लिखता रहे। और तौबा आज करो, अभी करो, बुढ़ापे का इंतजार ना करो कि बुढ़े हो जाऊंगा जब एक्सपायरी डेट करीब आएगी। हमारे यहाँ एक साहब ने कहा हजरत मेरे अब्बा को मुरीद कर लीजिए। हम कहाँ है, कहा आ नहीं सकते, चल के कर लीजिए, बस चम्मच से खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। हम कह रहे तेरे अब्बा की जब जवान थे तो चमनगंज, बेगमगंज, आलमबाग, चारबाग, अब जब किसी लायक नहीं हो गए तो हजरत एक्सपायरी डेट आ गई तो तौबा। अबे तौबा, बुढ़ौती की तौबा, क्या तौबा, दरवाजा खुला है तौबा का, मान ली जाएगी, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अब एक साहब 100 साल के हो गए, चप्पल न मुंह में दांत न पेट में आ, तो कहा या अल्लाह आज के बाद मैं जिना से तौबा करता हूं। चल पा नहीं रहे, या अल्लाह आज के बाद किसी के घर में हम छलांग नहीं लगाएंगे। अबे अब कोई लगा ही नहीं पाएगा, अब क्या तौबा। सादी अलैह रहमा बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वही उसी का मफहूम है, पूरी उस तरह तो मैं नहीं कह सकता जिस जुरास्त उन्होंने कहा है, कि बूढ़ी तवायफ अगर गुनाहों से तौबा कर ले तो उसकी क्या तौबा है कि नहीं। जिस वक्त गुनाहों के चांसेस हों और बदन में कुव्वत हो, गुनाह की ताकत भी हो, मौके भी हो, चांसेस भी हो, ऐसे वक्त में खौफे खुदा को अपना हथियार बना के गुनाहों से बच जाओगे तो सिर्फ मोमिन नहीं रहोगे, मुत्तकी बन जाओगे, तकवे का हक अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाह है नहीं कर सकते,
अब डकैती नहीं कर सकते, अब तित सेहत नहीं रही कि बैंक लूट लो और फिर तोबा करोगे तो क्या, तो जवानी की तोबा तोबा है। तो आइए हम तोबा दोहराते हैं, इस शबे बरात की तोबा करिए और कल से अपनी जिंदगी की फ्रेश शुरुआत कीजिए। और याद रखिए ये प्रोग्राम ये मोटिवेशनल है, ये फालियत है, ये सिर्फ आपको बेदार करने के लिए, ये मंजिल नहीं है, मंजिल अमल है। हमेशा याद रखिए जो भी जलसा डील कीजिए वो समझ करके कि यहां से कुछ लेके जाना है और अमल करना है, ठीक है। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिं व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह हम तोबा करते हैं अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से, उन गुनाहों से जिनको हमने जानबूझकर किए हैं और उन गुनाहों से जो हमसे अनजाने में हो गए हैं, उन गुनाहों से जो हमने छुपकर किए हैं, उन गुनाहों से जो हमने ऐलानिया किए हैं। ऐ अल्लाह हमारी तोबा इस शबे बरात के सदक़े में कबूल फरमा, हमें नमाज पंजगाना फ़राइज़ व वाजिबात मुअक्कदात को कमा हक़ुहु अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मुझे अपनी ज़ात से डरने वाला बना, अपने प्यारे हबीब के नक्शे कदम पर चलने वाला बना, हमारी नस्लों में नमाजी बना, गाजी बना, इस्लाम के लिए जिद्दोजहद करने वाले बना। ऐ अल्लाह हम सबको बख्श दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारी सुस्तियों हमारी गफलतों हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे आबा अजदाद में जो मोमिनीन हैं उन्हें बख्श दे, हमारे माँ बाप को जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر الدعوانا الحمد لله